भारत के सभी राज्यों की खबर, खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, SNS न्यूज चैनल में फिर से आपका स्वागत है। मैं अश्विनी, भंडारा जिले के पौनी तहसील अंतर्गत कट ग्राम पंचायत नांदीखेड़ा खातखेड़ा, जहाँ की लोक संख्या 250 है। स्मशान घाट जाने के लिए रास्ता नहीं होने से कमर इतने पानी और कीचड़ से गुजरकर मृत व्यक्ति को अंतिम यात्रा के लिए ले जाते हैं। यहाँ की जनता ने SNS न्यूज चैनल और राष्ट्रीय समाचार पत्र न्यूज फ्लेम से विशेष गुहार कर प्रशासन व ग्राम पंचायत गट अधिकारियों से विशेष मांग कर रहा है, परंतु कई सालों से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गट जनसंख्या द्वारा विशेषता राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों से विशेष विनती है कि स्मशान घाट का पूर्व रास्ता शीघ्र तैयार करें, अन्यथा मतदान का विशेष बहिष्कार किया जाएगा। आइए दिखाते हैं सीमा हड़े की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सीमा हड़े, खबर SNS टीवी से। आज हम आए हैं पौनी के नांदीखेड़ा गांव में, जहां की खस्ता हालत देख हर कोई परेशान। भारत देश में एक भंडारा जिले में एक ऐसा गाँव है नांदीखेड़ा, जहाँ की कंडीशन स्थिति इतनी बदल है, खराब है। मरने के बाद भी स्मशान घाट जाने के लिए रास्ता नहीं है, मरने के बाद भी मोक्ष नहीं प्राप्त होता, इस तरह का रास्ता है वहां पे, जहाँ लोगों को कीचड़ से, यहाँ तक के कीचड़ से गुजरना पड़ता है। कई बार तो मैयत लेते जाते वक्त गिरने की भी संभावना रहती है। लोगों की परेशानियां है, लोगों से पूछते है काकू स्मशान घाटाकडे रस्ता जातो, स्मशान घाटाकडे तो रस्ता जातो, काय हालत आहे त्याची, काय सांगण्या चाहता तुम्ही? स्मशान भूमीला रस्ताच नाही, चिखलातून जावं लागतं, टोंगराभर फसनातून जावं लागते, अजिबात रस्ताच नाही, पडत उठत मयत नेहा लागते। आताच मयत नेला, ते एक स्त्री ती चिखलामंदी पडली आणि तिला उचलून धुऱ्यावर बसवला। इथे राजनेता, खासदार, आमदार याच्या आधी कोणी आलेले होते का, कोणी आश्वासन दिलं आहे का? नाही दिलेला, कोणीच आश्वासन दिलेला नाही। आमदार भी नाही आला, कोणी भी आश्वासन दिलेलं नाही आहे। आमच्या गावाला स्मशान भूमीला रोड नाही, इतक्या फसण्यातून आजोबा पंजोब्या पासून सुद्धा तो रस्ता सुद्धा झालेला नाही आहे। म्हणून आताच्या मुलांनी म्हटलं, आम्ही सुद्धा आकत, चला आम्ही भी पुढं पाऊल टाकलं पाहिजे त्या रस्त्यासाठी। नाही आमदार येत आहेत, नाही खासदार येत आहेत, नाही जिल्हा परिषदचे सुद्धा नाही आहेत, विधान पंचायत समितीचे सुद्धा येत नाही आहेत। अच्छा, बच्चे लोग के स्कूल के जो स्कूल जो चालू हुआ, बस तो बोलते लोग उधर से चालू हुआ, इधर क्यों नहीं आ रहा है? उधर नाही आहे असे म्हणत आहेत की इथून गाडी फिरू शकत नाही आहे, म्हणजे रोड ना असे निरुंद आहे म्हणत आहेत, त्या कारणास्तव इथून बस टाकण्यात नाही येत आहेत असे म्हटले आहेत। रोड की हालत इतनी खराब है स्मशान घाट की कि हर कोई परेशान है। आप देख सकते हो इस गांव की लेडीज, महिलाएं कितनी परेशान है, अपनी व्यथा, अपनी समस्याएं बता रही है। काकू काय म्हणणं चाहता तुम्ही ह्या रोडाच्या विषयी? हा रोड नाही का, आम्हाला आवश्यकता ह्या रोडाची आहे अगोदर, कारण का ते बायाही पडल्या तेथे, माणूसही पडला, ते जर एखादी हा इतकाला पाय फसते, जर माणूस ह्या मयत जर फसली तर माणूस फसला तर मयत नाही पडेल का? म्हणून आम्हाला नाही का ह्या रोडाची आवश्यकता, आम्हाला रोड पाहिजे। आताच कोणीतरी म्हटलेलं आहे इथे कि खासदार सुनीलजी मेंढे इथे आलेले होते, त्यांनी मंदिराचं उद्घाटन, आमदार साहेब आलेले होते, तर त्यांनी हा रस्त्याची व्यवस्था पाहिली नाही आहे का? नाही, मेरा नाम स्नेहल किशोर मिश्रा है, मैं नांदीखेड़े का रहिवासी हूँ और मैं 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। मैं रोज पौनी जाता हूँ पढ़ाई लेने, शिक्षा लेने के लिए, लेकिन हमको, मैं सिर्फ इधर से बाइक से जाता हूँ और मेरे को 2-3 बार वाघ भी दिखा, टाइगर भी दिखा, लेकिन हमारे गांव में बस भी नहीं आती। ये पॉलिटिक्स है, हमसे ही वोट लेती है, हमसे ही सब कुछ लेती है, हमारे उपकार से मनो यार कुछ भी मनो, वो बैठकर उधर संसद भवन में रहती है, लेकिन हमारे गांव का कोई विकास नहीं करती। ये क्या है, ये पॉलिटिक्स है ना, इसको करना चाहिए, गाँव का विकास करना चाहिए। हमारे गाँव में आज दुखद वार्ता हुई, मयत हुई, कमर भर चिकल से हम मरे कट गए,
लेकिन मेरे घर जाने के लिए अभी कोई भी रास्ता नहीं। ये क्या है, ये पॉलिटिक्स क्या कर रही है? आमदार साहब आए थे, टाइगर को घायल किया था हमारे गांव के लड़के को, मेरा दोस्त ही जो निखिल गुरदास के, उसको सिर्फ 1,25,000 मिला, उसका हॉस्पिटल का बिल ऑलरेडी 4,00,000 रुपया आया। ये क्या है, मरने वाले को तो देते हो, जीवन थे उसको कुछ भी नहीं, सिर्फ 1,25,000। क्या कर रही है सरकार? आमदार साहब आए थे, उन लोगों को हमने बोला था कि हमको बस चालू चाहिए, उसने बोला कि इधर पलटाने के लिए जगह नहीं है। बात है क्या, जब सरकार रास्ता दे रही है तो पलटाने के लिए जगह क्यों नहीं बना सकती? करना चाहिए ना वो सरकार को, यही हमारी हमारी मन की बात है, तो हमको न्याय मिलना चाहिए। नहीं पाहिलीच नाही, त्यांना सांगितलं आहे परंतु त्यांनी काही ऍक्शन घेतलाच नाही। बच्चा पण त्यांना बोलले होते, जे वाघांनी घायल केलं आहे ना आमच्या गावचा, त्याला बघायला आलो तर त्यांनी बघितला त्यांना आणि इथं आले, चौकामध्ये आले, परंतु गावातल्या एकाही नागरिकांशी त्यांनी बोललेलं नाही आहे की गावामध्ये काय समस्या आहे, अजूनपर्यंत शेर येते का, गावामध्ये कुठल्या समस्या आहेत, त्यांनी या समस्यावर कुठल्याच चर्चा केलेल्या नाहीत। वरून खातखेड्यावरूनच ते सरळ गेले आहेत तिकडे, परंतु त्यांना ते रस्ता नाही दिसला का? ये है लोगों का आक्रोश, बताइए जब वोटिंग का समय आता है, मतदान का समय आता है, तो गांव गांव खेड़े तक लोग राजनेता लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन जब समस्या इनकी है, आप वोटिंग के लिए आते हो तो समस्या ये बताते आप उसको सुलझाते क्यों नहीं है? सबसे बड़ी समस्या तो ये स्मशान घाट की है। वोटिंग के लिए आते